खबर राजस्थान से है। सरदार शहर के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है। 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 को आएगा इसका रिजल्ट। तो 5 दिसंबर को होगा मतदान और 8 को आएगा इसका परिणाम। आज से आदर्श आचार संहिता हुई लागू। कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन पर ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो सरदार शहर के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई। 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 को आएगा परिणाम। तो ये मतदान की घोषणा हुई है, जहां पर 8 दिसंबर को होगा मतदान। तो मतदान की घोषणा हो गई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उपचुनाव कराने की ये घोषणा कर दी गई है, जहां पर डेट ऑफ काउंटिंग 8 दिसंबर को है। डेट ऑफ इशू आप देख सकते हैं इसका, 10 नवंबर, 17, 18, 21, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर को डेट ऑफ काउंटिंग। वही खबर दौसा से है, जहां कई स्कूली बच्चों को काट चुके हैं बंदर। कई भय के चलते दौसा में बच्चे घायल भी हुए हैं। वहीं कस्बे में बंदरों के आतंक के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में बंदरों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। अब तो बंदर गली मोहल्ले की सड़कों पर डेरा डाले बैठे रहते हैं। कई बार स्कूल जाते समय बच्चों को काट चुके हैं, मंदिर में तोड़ फोड़ कर देते हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि छत पर कपड़े सुखाना दूभर हो रहा है। सूखते कपड़ों को फाड़ देते हैं, पानी की टंकी के ढक्कन को तोड़ देते हैं। ग्राम पंचायत व प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेते हुए बंदरों को यहां से पकड़कर अन्य स्थान पर छुड़वाना चाहिए, ताकि बंदरों से आसपास के लोगों को निजात मिल सके।